दोस्तों आज हम बात करेंगे उस ड्रामा मूवी के बारे में जो किसी भी तरह की पहचान के मोहताज नहीं है। ये फिल्म रिलीज होने के 24 साल बाद भी 20 लाख से भी ज्यादा वोट्स के साथ IMDb की नंबर वन मूवी बनी हुई है और अभी भी इसकी रैंकिंग 9.3 है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1994 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन के बारे में। इसको लिखा और डायरेक्ट किया है फ्रैंक डारबोंट ने और ये स्टीफन किंग की स्टोरी रीटा हेवर्ट एंड शॉशैंक रिडेम्पशन पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं टिम रॉबिन्स, मॉर्गन फ्रीमैन और बॉब गंटन ने। पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, फिर बात करेंगे इसकी थीम्स के बारे में, उसके बाद इसके कुछ सिंबल्स और इसकी एंडिंग के बारे में चर्चा करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि क्यों ये फिल्म आज भी नंबर वन पोजीशन पर कायम है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिलें। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमेटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है एंडी और रेड की। 1947 पोर्टलैंड में बैंकर एडी डुफ्रेन को अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को मारने का दोषी पाया जाता है और उसे द शॉशैंक स्टेट पेनिटेंशियरी में लगातार दो उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वहां उसकी दोस्ती एक दूसरे कैदी से होती है जो स्मगलिंग की वजह से उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। उसका नाम एलिस रेडिंग है, वहां उसे सब रेड कहते हैं। रेड एंडी के लिए रीटा हेवर्थ का पोस्टर और एक रॉक हैमर या जिसे जियोलॉजिस्ट हैमर भी कहते हैं उसका इंतजाम करवाता है। प्रिजन की लॉन्ड्री में काम करते वक्त द सिस्टर्स नाम का एक ग्रुप और उनका लीडर बॉग्स लगातार उसे परेशान करते हैं और उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी करते हैं। 1949 में एंडी ये सुन लेता है कि गार्ड्स के कैप्टन बायरन हेडली अपने इनहेरिटेंस पर टैक्स लगने की शिकायत कर रहा है और वो उसकी मदद करने का प्रपोजल रखता है। द सिस्टर्स एंडी पर हमला करते हैं जिससे लगभग उसकी मौत ही हो जाती है। उसके बाद हेडली बॉक्स को मार मार कर अपाहिज बना देता है और उसे दूसरे जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद एंडी पर कभी हमला नहीं होता। वार्डन सैमुअल नॉर्टन एंडी से मिलता है और उसे दोबारा से लाइब्रेरी में ब्रूक्स हॉल्टन की मदद करने के लिए भेज देता है। एंडी जेल के दूसरे कर्मचारियों के फाइनेंशियल मामलों का लेखा जोखा रखना शुरू करता है जिसमें खुद वार्डन भी शामिल है। वो स्टेट लेजिस्लेचर को वीकली खत लिखना शुरू करता है जिसमें वो जेल की ढहती हुई लाइब्रेरी को बेहतर बनाने के लिए फंड की रिक्वेस्ट भी करता है। ब्रुक्स को 50 साल सजा काटने के बाद 1954 में रिहा कर दिया जाता है, मगर वो बाहर की दुनिया में रहने के लिए मेंटली तैयार नहीं है और आखिरकार वो खुद को फांसी लगा लेता है। लेजिस्लेचर लाइब्रेरी के लिए डोनेशन भेजती है जिसमें फिगारो की शादी की रिकॉर्डिंग भी शामिल थी। इसके बाद एंडी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा सुनाई जाती है। उसके वहां से छूटने के बाद एंडी समझाता है कि उम्मीद ही वो चीज थी जिसने उसे उस बुरे वक्त से निकलने में मदद की, पर रेड इस बात को नकारता है। 1963 में नॉर्टन जेल के मजदूरों का बाहरी काम के लिए शोषण करता है। इससे उसका दूसरों को काम पर रखने का पैसा बचता है और उसे रिश्वत भी मिलती है। एंडी इस काले धन को वैध बनाता है अपने नए उपनाम की मदद से जो है रैंडल स्टीफन्स। टॉमी विलियम्स को सेंध लगाने की वजह से 1965 में जेल में डाल दिया जाता है। एंडी और रेड की उससे दोस्ती हो जाती है और एंडी GED एग्जाम पास करने में उसकी मदद करता है। एक साल के बाद टॉमी रेड और एंडी के सामने ये खुलासा करता है कि दूसरे जेल के उसके साथी ने उन कत्लों की जिम्मेदारी ले ली है जिनके लिए एंडी सजा काट रहा है। एंडी ये जानकारी लेकर नॉर्टन के पास जाता है पर वो सुनने से मना कर देता है और जब वो मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र करता है तो उसे वापस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। नॉर्टन भागने का झूठा इल्जाम लगाकर हेडली से टॉमी का मर्डर करवा देता है। एंडी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करता है पर उसे ये इरादा छोड़ना पड़ता है क्योंकि नॉर्टन लाइब्रेरी को तबाह करने, एंडी की सुरक्षा को हटाने और उसे ज्यादा बुरे हालात में भेजने की धमकी देता है।
दो महीने बाद एंडी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिहा कर दिया जाता है और वो संदेह से भरे हुए रेड को बताता है कि उसका सपना है जिहुआ टनेहो में रहने का, जो कि एक मैक्सिकन कोस्टल टाउन है। रेड उससे वादा करता है कि अगर वो कभी रिहा होगा तो वो बक्सटन के पास जाएगा और एंडी ने जो उसके लिए पैकेज वहां छोड़ा होगा उसे वहां से ले लेगा। वो एंडी के लिए परेशान है, खासकर जब उसे ये पता चलता है कि एंडी ने जेल के एक साथी से 6 फीट की रस्सी मांगी है। अगले दिन जब सेल चेक होते हैं तो गार्ड्स को एंडी का सेल खाली मिलता है। जब नॉर्टन गुस्से में रेकल वेल्च के पोस्टर की तरफ पत्थर फेंकता है तो उन्हें उस सुरंग के बारे में पता चलता है जिसे एंडी ने 19 साल में रॉक हैमर की मदद से बनाया है। पिछली रात को एंडी एक रस्सी का इस्तेमाल करके और जेल के स्वीवेज पाइप के जरिए वहां से भाग निकला था। उसके पास नॉर्टन का सूट, जूते और लेजर है जिसमें पैसों के लीगल होने का सबूत है। जब वो गार्ड्स उसकी तलाश में होते हैं तो वो रैंडल स्टीफन्स का रूप धर लेता है और कुछ बैंक से वो लीगल बनाया हुआ पैसा निकाल लेता है। इसके बाद वो लेजर और बाकी भ्रष्टाचार और मर्डर के सबूत शॉशैंक के लोकल न्यूज़पेपर को भेज देता है। स्टेट पुलिस वहां आती है और हेडली को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि नॉर्टन गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। 40 साल सजा भुगतने के बाद रेड को आखिरकार रिहाई मिल जाती है। उसे भी बाहरी जिंदगी में ढलने में संघर्ष करना पड़ता है और उसे लगता है कि वो कभी कर भी नहीं पाएगा। उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है। वो बक्सटन जाता है और वहां उसे छुपाए हुए पैसे और एक लेटर मिलता है जिसमें उसे जिहुआ टनेहो आने के लिए कहा गया होता है। रेड फोर्ट हैंकॉक टेक्सास जाकर और बॉर्डर पार करके मैक्सिको में एंटर करके अपनी रिहाई के नियमों का उल्लंघन करता है। आखिरकार वो मानता है कि उसके मन में भी अब एक उम्मीद है। जिहुआ टनेहो के एक बीच में उसे एंडी मिलता है और दो दोस्तों के मिलन पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी थीम्स के बारे में। पहली थीम है रिडम्पशन, यानी कि किसी पाप से छुटकारा या मुक्ति पाने की इच्छा। ये शब्द तो इसके टाइटल में भी है, तो जाहिर है ये तो थीम का हिस्सा होगा ही। एंडी वहां रहकर ये बात बहुत अच्छी तरह जान जाता है कि जिस सिस्टम के अंडर उसे सजा दी गई है उसे उसके रिडम्पशन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने इसके लिए खुद हालात पैदा किए। इस तरह से उसका रिडम्पशन एक आध्यात्मिक या यूं कहें कि गहरा मतलब रखता है, जिसमें वो बिना गुनाह की कैद से भागने, अपने दुश्मनों से बदला लेने और मैक्सिको के अपने सपनों के घर में जाने तक के पैसे का इंतजाम कर लेता है। वो एक ऐसे आदमी से जो उस जुर्म के लिए कैद है जो उसने किया ही नहीं, वो आदमी बन जाता है जो उन हालातों में भी अच्छी जिंदगी तलाशता है और उस जगह से भाग निकलने में कामयाब होता है। और ऐसा ही नहीं कि वो ये सिर्फ अपने लिए ही करता है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड रेड के लिए भी रिडेम्पशन प्रोवाइड करता है। लेकिन असली रिडेम्पशन उसके पास आता है एंडी का नोट मिलने के बाद, जब वो पैसिफिक ओशियन उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है। इसलिए रिडेम्पशन इसकी बहुत ही बड़ी थीम है और ये एंडी के किरदार के एटीट्यूड द्वारा हमें दिखाई गई है। दूसरी थीम है होप, यानी उम्मीद। एंडी एक ऐसा कैरेक्टर है जो जेल में बिताए गए अपने पूरे समय के दौरान उम्मीद बनाए रखता है। उसके हालातों ने उसे उम्मीद छोड़ने पर मजबूर किया, जैसे कि उसे 2 उम्र कैद ऐसा जुर्म करने के लिए दी गई जो उसने किया भी नहीं था। पर जो भी है, उसने कभी भी अपनी लगन और उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ा। अपनी सजा के दौरान उसने अपनी ये उम्मीद और गुडविल अपने साथियों में भी फैलाई, जैसे लाइब्रेरी बिल्डअप करना और उन्हें एजुकेशन लेने में मदद करना जो उन्होंने कभी ली ही नहीं थी। इसके अलावा उसमें हमेशा ही आज़ादी पाने की एक उम्मीद थी। पहले उसे उम्मीद होती है कि वो अपनी आज़ादी को कानूनी तरीके से पा लेगा, पर जब सिस्टम उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाता तो वो इस आज़ादी को अपनी शर्तों पर हासिल करने का फैसला लेता है। एंडी के भागने से ठीक पहले रेड उसे कहता है कि अब ये उम्मीद छोड़ दो, ये तुम्हें पागल कर देगी। पर फिर भी वो एंडी की उम्मीद ही थी जो उसे उस कैद से बाहर ले गई और उसे वो जिंदगी दी जिसकी उसे चाहत थी। तीसरी थीम है दोस्ती की। एंडी और रेड के रिश्ते को समझ पाना काफी मुश्किल है। ये एक बहुत ही ओल्ड जोड़ी है जो लगभग शुरू से ही साथ होते हैं। एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक जवान है, एक बूढ़ा है, फिर भी उनका कुछ ऐसा कनेक्शन होता है जो इंस्टेंट लगता है।
वो सालों तक दोस्त बने रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि एंडी अकेले चोरी छुपे अपने भागने की तैयारी में लगा हुआ था, पर यहां एक बात सबको माननी पड़ेगी, रेड की दोस्ती के बिना वो इस काम में सफल नहीं हो सकता था। और सिर्फ ये इसलिए नहीं कि उसने उसे रॉक हैमर या पोस्टर्स लाने में मदद की, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ऐसी जगह में बिना किसी साथी के इतने साल नॉर्मल बने रहना कोई आसान बात नहीं है। चौथी थीम है परसिवरेंस, यानी दृढ़ता की। अगर आप एंडी की जगह खुद को रखकर देखें तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि आप उसके जितने धैर्य और सहन शक्ति के साथ वो सब कुछ करेंगे जो इतने लंबे समय में उसने किया। सोचने से ही ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है ना? तो दृढ़ता यानी परसिवरेंस इस फिल्म की बहुत ही प्रबल थीम है, और ये सिर्फ एंडी के किरदार में ही देखने को नहीं मिलती। रेड को बार बार रिहाई देने वाला पैनल रिजेक्ट कर देता है और उसे अपने तरह के संघर्ष से गुजरना पड़ता है, और दशकों के बाद वो अपनी सूझबूझ से सही शब्दों का इस्तेमाल करके पैनल को खुश कर देता है। ये सब हुआ क्योंकि वो पिछली सारी गलतियों से सीख रहा था और अंदर से ग्रो हो रहा था, और उसकी दृढ़ता ने आखिरकार उसको भी जेल से रिहा करवा दिया था। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके अहम पहलुओं और सिंबल्स पर। पहले बात करेंगे बाइबल के बारे में। एंड में दिखाए गए बाइबल के सीन को कौन भूल सकता है, जिसमें एंडी ने अपना रॉक हैमर छुपाया था। बाइबल भी यहाँ दो रोल निभाती है, और दोनों ही कहीं ना कहीं मोक्ष या मुक्ति से जुड़े हुए हैं। वार्डन एंडी को बाइबल पढ़ने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि उसी के अंदर मोक्ष छिपा हुआ है। अब ये तो जाहिर है कि वो धार्मिक पाखंडी वार्डन यहाँ आत्मा के मोक्ष की बात कर रहा था क्राइस्ट के जरिए। एंडी के लिए भी मुक्ति का रास्ता वो बाइबल ही थी, पर उसने उसका इस्तेमाल पढ़ने के बजाय किसी और चीज में किया, और वो ये जानता था कि उसकी तलाशी कोई नहीं लेगा। तो किसका मोक्ष का रास्ता सही है? वार्डन का वर्जन सामान्य था और सिर्फ बातों तक ही सीमित था कि बाइबल की कुछ बातें पढ़ी और आप अब मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर चाहे असल में आप कैसा भी बर्ताव कर रहे हो। एंडी वाला रास्ता मुश्किल है, उसे खुद को बचाना है, पेशेंस और दृढ़ता दिखानी है, अपनी गरिमा को बनाए हुए जो कुछ कर सके उसे करना होगा, और इस निराशा भरे माहौल में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। और अगर इन दोनों के मोक्ष का कंपैरिजन किया जाए तो हमें इसमें एंडी ही सही नजर आता है। दूसरी चीज है पोस्टर्स। एंडी को ये पोस्टर्स बहुत पसंद हैं, पर छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियों के पोस्टर ही क्यों? इसकी वजह क्या है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो स्मार्ट है और वो वही चीजें करता है जिनसे उसके ऊपर किसी का शक ना जाए। आदमी जेल में अकेला फील करते हैं, और ये पोस्टर वहां उनके साथ एक असली लेडी की कंपनी की तरह काम करते हैं। अब इसके अलावा अगर वो किसी और चीज का पोस्टर लगाता है, जैसे लैंडस्केप, तो शायद एक ना एक बार तो वार्डन का शक उस पर जरूर जाता। इसे गहराई से समझें तो ये पोस्टर दो चीजों का सिंबल है, जो दिख रहा है उसका भी और जो नहीं दिख रहा उसका भी। इसे थोड़ा आसान करते हैं, इन पोस्टर्स में लेडीज सिर्फ उतना ही एक्सपोज कर रही हैं जो आपको परेशान करने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी एक्सपोज असल में कुछ भी नहीं किया गया है। यही सेम पर्पस है उसके पीछे बनी हुई सुरंग का भी। वो वही मौजूद है लेकिन छिपी हुई है। वो पोस्टर्स में बनी औरतें बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करती हैं, जो पहुंच से तो बाहर है मगर जहन से बाहर नहीं है। तीसरी चीज है बारिश। फिल्म के सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक सीन है जब एंडी सीवर से बाहर आता है और बारिश हो रही होती है। वो अपनी शर्ट उतारता है और घुटने के बल बैठकर अपने दोनों हाथ आसमान में उठाता है। बारिश यहाँ दो चीजें दर्शाती है, एक तो उसकी नई आजादी, क्योंकि उस बारिश ने सीवर की गंदगी के साथ साथ उसकी शौशंक की यादें भी धो डाली, पर इसका एक और गहरा मतलब हो सकता है। एंडी ने भले ही वो मर्डर्स नहीं किए थे जिनकी सजा उसे दी गई, पर उसके मन पे कोई बोझ नहीं है। वो रेड के सामने ये मान लेता है कि वो एक बेकार पति था और उसकी हरकतों की वजह से ही उसकी वाइफ ने अफेयर किया, और हालांकि उसने उसे नहीं मारा, पर कहीं ना कहीं वो खुद को ही इसका दोषी मानता है। तो इस बारिश से उसके मन से ये सभी पाप धुल जाते हैं, और अब इस दुनिया में वो बिना किसी बोझ के आगे बढ़ सकता है और एक नई शुरुआत कर सकता है। हम जानते हैं कि उसने शौशंक में कुछ गलत कामों में लोगों का साथ भी दिया, पर इस बारिश के जरिए उसके मन से वो सब कुछ चीजें भी निकल चुकी हैं।
इसलिए बारिश का महत्व यहाँ बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अब आते हैं इसकी एंडिंग पर। एंडिंग का नाम आते ही सबसे पहले हमारे जहन में उस बीज का नाम आता है, जी हुआ चने हो। एंडी ऐसी किसी जगह पर क्यों गया जहां जाना तो छोड़ो इसका नाम ले पाना भी बहुत बड़ी बात है। इसका रीजन क्या है? तो ये इसलिए किया गया क्योंकि ये कोई ऐसी जगह होनी चाहिए थी जो सुनने में एकदम एग्जॉटिक लगे, जो बहुत दूर हो और उसे सपने में भी पाना लगभग नामुमकिन हो। और जब एंडी उसे पा लेता है तब हम बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। और ये बात हम भी नहीं जानते लेकिन इसमें उस नाम का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये कोई आम जगह होती तो शायद हम उतने एक्साइटेड नहीं होते। लेकिन सिर्फ एंडी का ही उस जगह पहुंचना हमारे लिए काफी नहीं था। हम मन ही मन चाहते थे कि रेड को भी ऐसी जिंदगी मिले, क्योंकि आप खुद ही सोचिए अगर रेड एंडी से मैक्सिको में मिलने के बजाय शॉशैंक में ही मर गया होता तो क्या आपको निराशा नहीं होती? क्या ये फिल्म कल्ट स्टेटस हासिल कर पाती? इसलिए इस बारे में कोई सोचता भी नहीं है और इसीलिए ये फिल्म अलग है। इसका एंड हमें रुलाने के लिए नहीं बल्कि अच्छा महसूस करवाने और मोटिवेशन देने के लिए बनाया गया था। ये रिडेम्पशन उन दोनों किरदारों का है जिन्हें हमने शुरू से देखा और प्यार किया। तो दोस्तों ये सब चीजें जानने के बाद अब आते हैं इसके सबसे जरूरी सवाल पर कि ये आज तक की हाईएस्ट रेटेड आईएमडीबी मूवी क्यों है, इसमें ऐसा क्या खास है। हमने इसके बारे में इतना कुछ जाना, थीम से लेके सिंबल्स और एंडिंग तक, इन सब चीजों से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म हमें जिंदगी के बारे में कई पाठ पढ़ाती है। जैसे सबसे खराब हालात में भी पेशेंस कैसे बनाए रखें, हालात के साथ कैसे ढलें और उसका फायदा कैसे उठाएं, नामुमकिन दिनों में भी काम करते रहें और कभी उम्मीद ना छोड़ें। एंडी ने हमें दोस्ती के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया। अपने बर्ताव के जरिए उसने जेल के अंदर भी एक परिवार जैसे हालात पैदा किए, जिसकी वजह से उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं, उसकी बातें करते हैं। वो हमें केयर करना सिखाता है, आज़ादी के असली मायने समझाता है। एक आदमी नाले की गंदगी में घिसटता हुआ संघर्ष करता है और एक बहुत लंबा रास्ता पार करता है जिससे आखिरकार वो अपनी आज़ादी पा लेता है। और हमारी जिंदगी भी ऐसी ही परेशानियों और संघर्षों से भरी हुई है। गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी डाइंग। इसके अलावा भी इसमें कई सीन्स और डायलॉग्स काफी मोटिवेशनल हैं और उसी में से एक से ये वीडियो में खत्म करना चाहूंगा। दैट होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स एंड नो गुड थिंग्स एवर डाइज। तो इससे ये तो साफ है कि नंबर वन बनने के लिए एक फिल्म में जो चीजें होनी चाहिए वो सभी इसमें भरपूर तरीके से मौजूद हैं और सबको ये फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था द शॉशैंक रिडेम्पशन का एनालिसिस। आई होप आपको अब ये मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।